पोंग झील में मछुआरे दोबारा से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर सकेंगे। विदेशी परिंदों के बर्ड फ्लू से मरने के सामने आने वाले मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने झील में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि लगभग एक माह से मछलियां पकड़ने पर लगे प्रतिबंध के कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं झील में पिछले कुछ दिनों से विदेशी परिंदों के मरने के मामला सामने न आने तथा बर्ड फ्लू के कंट्रोल में होने पर जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंध को हटाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि पोंग झील में करीब 15 पंजीकृत सभाओं के अंतर्गत 2000 से अधिक मछुआरे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मछली पकड़ने से होने वाली आमदनी से ही परिवार का भरण पोषण करते हैं। पिछले वर्ष कोविड-19 तथा इस वर्ष के शुरुआती माह में पोंग झील में बर्ड फ्लू के फैलने के चलते मछुआरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परिवार के पालन पोषण के लिए मछुआरे दिहाड़ी लगाने के लिए मजबूर हो गए थे। इतना ही नहीं, मछुआरों द्वारा प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन से भी सहयोग को लेकर बार बार मांग उठाई जा रही थी। पोंग झील में शुरुआती दिनों में अधिक विदेशी परिंदों के मौत मामले सामने आने के बाद झील में रेड जोन तथा सर्विलांस जोन बनाया गया था। प्रदेश सहित देहरादून की टीम ने भी झील का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से झील में परिंदों के मरने का मामला सामने न आने पर जिला प्रशासन ने मछुआरों को राहत प्रदान की है। उधर उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि झील में बर्ड फ्लू के चलते लगभग 5500 के करीब परिंदों की मौत हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से झील में कोई मृत पक्षी मिलने का मामला सामने नहीं आया है, जिसके चलते पोंग झील में मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। देखिए, इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ली गई थी कि अभी वहाँ का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और जो वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन है टोटली अंडर कंट्रोल है, और बर्ड फ्लू के जो फर्दर माइग्रेटरी बर्ड्स के डेथ केसेस हैं वो अब ना के बराबर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में फिशरीज डिपार्टमेंट से ही बार बार डिमांड आ रही थी कि जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको खोला जाए, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको खोला जाए, और कल से इसको खोल दिया गया है। देखिए, लगभग 1.5-2 महीने के आसपास का समय अब निकल चुका है, और जब से बर्ड फ्लू हुआ तब से लगभग 5500 बर्ड्स की डेथ्स भी हुई हैं, तो एक बड़े प्रोपोर्शन में डेथ्स हो रही थी। इस वजह से इन एक्टिविटीज़ को बंद करना पड़ा था, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने पोल्ट्री का सेल परचेज भी बंद कर रखा था, लेकिन उसको कुछ हफ्ते पहले खोल दिया गया था, लेकिन जो फिशिंग एक्टिविटी है वो अभी तक नहीं खुली थी उसको।